Dr. Sindhya and I am your host Dada Bartender. Friends, आज मैं अंडा से एक ड्रिंक बनाऊंगा जिसका नाम है विस्की साउर. विस्की एंड अंडा को कंबाइन करके ये ड्रिंक मैं बनाऊंगा. अब आप सोच रहे होंगे कि दादा क्या बावला हो चुका है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अपना कॉकटेल में मिला रहा है. मैं बिल्कुल बावला नहीं हूं और जो भी मैं करता हूं वो मैं ऑथेंटिक रेसिपीज को फॉलो करके करता हूं. ये जो कॉकटेल मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा ये मेरा कॉकटेल नहीं है कि मन में आया और इंग्रेडिएंट्स चुन के बना दिया. ये एक क्लासिक कॉकटेल है. बहुत साल पहले इस कॉकटेल को इन्वेंट किया गया था और अंडा को यूज करते हुए. तो ये नया नहीं है. अगर आप गूगल करेंगे विस्की सावर तो आपको ढेरों रेसिपी मिल जाएगा जहां पर दिखाया जाएगा कि अंडा को यूज करके ही बनाया गया है. फ्रेंड्स, मैं आपके पास ये सब आइडियाज शेयर करता हूं कि आप घर बैठे कुछ यूनिक बना पाए, कुछ नया बना पाए. तो आज का कॉकटेल क्वाइट इंटरेस्टिंग है नो डाउट, क्योंकि इसमें एक वाइट को मैं मिलाऊंगा विस्की के साथ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो इस कॉकटेल को बनाने के लिए आपको चाहिए शेकर. अब घर में क्या होता है ना, शेकर अवेलेबल नहीं होता है. शेकर इसको कहा जाता है, एक ग्लास पॉट रहता है और एक स्टेनलेस स्टील पॉट रहता है जिसको हम लोग ऐसे जोड़ के शेक करते हैं. ठीक है, अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ऐसा कोई ग्लास को चुन सकते हैं, या आप ऐसा दो ग्लास को चुन सकते हैं स्टेनलेस स्टील का ग्लास, और उसको ऐसे कवर करके भी आप शेकर बना सकते हैं. इसमें भी हो जाएगा, मतलब आप शेक कर सकते हैं. तो शेकर अगर नहीं है तो दो ग्लास जुगाड़ कर लीजिए. तो चलिए कॉकटेल को बनाते हैं. तो शेकर का जो फर्स्ट हिस्सा है इसमें हम डालेंगे पहले विस्की को, और इसमें आपको देना है बर्बन विस्की, मतलब अमेरिकन विस्की, जिनसे विस्की सावर सबसे अच्छा बनता है. अब अमेरिकन विस्की मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूं, तो मैं जॉनी वॉकर ब्लैक दूंगा. अगर आपके पास कोई लोकल ब्रांड है, लोकल विस्की है, उससे भी ये कॉकटेल बन जाएगा. तो चलिए विस्की हम लोग देंगे 45 ml, नॉट 60 ml. यूजुअली कॉकटेल में 60 ml मैं देता हूँ, बट यहाँ पर हम लोग देंगे 45 ml, ओवरपावरिंग ना हो जाए इसलिए. अब इसमें ऐड करना है 15 ml लाइम जूस, और इसके लिए मैं एक लाइम को लूंगा और उसको काटूंगा और इनमें जो जूस निकलेगा वो 15 ml हो जाएगा. तो अब इसमें मैं ऐड करूंगा शुगर सिरप इस कॉकटेल को बैलेंस करने के लिए. देखिए इसमें लाइम है और अंडा भी बाद में जाएगा. शुगर सिरप देने से थोड़ा सा मीठा होगा कॉकटेल, आपको बहुत टेस्टी लगेगा. तो मैं इसमें ऐड करूंगा शुगर सिरप 15 ml. तो चलिए 15 ml पोर कर देते हैं. आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो 20 ml भी आप दे सकते हैं. अब आता है एक व्हाइट की बारी, मतलब ये रहा अंडा और इसका जो एक व्हाइट है हम लोग उसको निकालेंगे. याद रखिएगा ये जो कॉकटेल है, मैं बोल रहा हूं कि ये विस्की सावर है, बट जैसे मैं इसमें एक ऐड करता हूं तो इसका नाम बदल के हो जाता है बॉस्टन सावर. मतलब विस्की सावर में एक व्हाइट नेसेसरी है नहीं, बॉस्टन सावर मतलब एक व्हाइट. तो एक व्हाइट को पोर करूंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे पोर करना है. यहां पर थोड़ा सा छेद कर लीजिए. अब एक को ऐसे करके व्हाइट को डाल दीजिए. आप सोचते होंगे कि शायद एक व्हाइट कितना बदबू छोड़ेगा कॉकटेल में, बिल्कुल नहीं. यहां पर जो लेमन है वो ओवरपावरिंग होता है, मतलब आप जब पियोगे तो ज्यादा लेमन लगेगा. एक व्हाइट को हम लोग इसलिए देते हैं कि बेटर बाइंडिंग होगा, कॉकटेल को प्रॉपरली बाइंड करके रखेगा. तो अब इसमें लॉट्स ऑफ आइस देना है. अब शेक करना है, तो मैं
सेकर का जो सेकंड पार्ट है इसको यहाँ पर लगाऊंगा और अभी जबरदस्त तरीके से शेक होगा, तो चलिए शेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपके पास अगर शेकर नहीं है तो वो टैक्टिक्स यूज कर लीजिएगा। ये देखिए बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे जो होगा विस्की ग्लास। अब विस्की ग्लास में आपको लॉट्स ऑफ आइस पोर करना है, तो मैं आइस पोर कर दूंगा, लॉट्स ऑफ आइस। अब कॉकटेल को हम लोग इसमें स्टेन कर देंगे, तो मेरे पास एक स्टेनर है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर से स्टेन कर दूंगा। इसे देखिए क्रीमी टेक्सचर है, ऊपर में फ्रॉथ है। ये देखिए जैसे मैंने अंडा दिया इसलिए ये जो फ्रॉथ है ऊपर से ऐसे आएगा, और ये जो क्रीमी टेक्सचर आपको दिख रहा है, ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है, यही है कॉकटेल का असलियत, मतलब इससे ये कॉकटेल का लुक मिलता है। तो बन गया है आपका कॉकटेल। अब इसमें गार्निश, और गार्निश में मैं बोलूंगा कि ऑरेंज गार्निश सबसे बेस्ट रहता है इस कॉकटेल को, क्योंकि ये क्लासिक कॉकटेल है और बहुत टेस्टी बना देता है। ऑरेंज का जो हम लोग पील है इसको यूज करेंगे इस कॉकटेल के लिए, तो मैं एक पील काट लूंगा। अब ये जो पील है इसको हम लोग कॉकटेल में ऐसे करके देंगे। ये देखिए ऑरेंज का जो ऑयल्स है ये ऑलरेडी विस्की में मतलब टच हो गया, और इसको हम लोग थोड़ा सा ग्लास के ऊपर ऐसे मिला देंगे, तो जब आप उसको पीजिएगा तो मतलब मस्त एक सुगंध निकलेगा। और इसको हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करके अंदर में ऐसे डाल देंगे। कॉकटेल तैयार हो चुका है, इसका नाम है विस्की सावर जो अंडा से बना है। अब मैं टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो जो अंडा का फ्लेवर है वो यहाँ पर है या नहीं, तो चलिए टेस्ट करते हैं। जय हो टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये जो अंडा से बना है, अंडा का नामो निशान नहीं है, कोई बदबू नहीं है कॉकटेल में, फैंटास्टिक कॉकटेल है ये। आपको मतलब इसमें लेमन जो है वो ओवरपावरिंग है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था लेमन ही ज्यादा लग रहा है। बहुत ही अच्छा ये कॉकटेल बना है। अगर ये कॉकटेल आपको अच्छा लगता है घर में बनाने के बाद, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। ये इंटरेस्टिंग कॉकटेल आपको कैसा लगा लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।